हेलो फ्रेंड्स, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम देखने के बाद मैं पहुंचा हूं स्टेट वार मेमोरियल धर्मशाला में। तो आइए चलते हैं। कितना मतलब क्या क्या देखने वाला है? ये वॉर मेमोरियल है सर, जो हिमाचल के शहीद हुए 1947 से 99 तक। अच्छा, उनकी मेमोरी में बना हुआ है, उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, बाकी बच्चों के लिए पार्क बनाया है। इधर से जाना अपने एग्जिट भी इधर से ही होगा। ओके ओके। और ये वॉर म्यूजियम है सर, इधर भी जा सकते हैं, इनका अलग दिखते हैं उधर ही है। अच्छा, आप जाइए सर, अंदर जाइए। यहाँ एंट्री टिकट है 20 रुपये, वो मैंने ले ली है और अब चलते हैं अंदर। वार मेमोरियल के अंदर कदम रखते ही ये खूबसूरत व्यू आपका मन मोह लेगा। ये रास्ता जो नीचे से होकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, वो जा रहा है शहीद स्मारक की तरफ। तो आइए चलते हैं उसी तरफ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया गया है इस जगह को, और इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो इसमें और भी ज्यादा चार चांद लगा रही है। पहाड़ी की ढलान के ऊपर रंग बिरंगे पत्थरों से बना ये है भारत का खूबसूरत नक्शा। तो आइए चलते हैं ऊपर श्रद्धांजलि स्थल की तरफ। और ये मैं पहुंच गया हूं वार मेमोरियल स्थल पर। यहाँ जो आगे सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं उसके ऊपर जाने की मनाही है, ये बोर्ड पे भी लिखा है। खूबसूरत व्यू इस वार मेमोरियल का। ये जो 3 दीवारें बनी हैं, इनके ऊपर सुनहरे अक्षरों से उन महान सैनिकों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की खातिर अपना बलिदान दे दिया, और ये सभी वीर सैनिक हिमाचल से ही संबंधित थे। चारों तरफ से चीड़ के खूबसूरत पेड़ों से घिरे इस वार मेमोरियल में आकर आपको आत्मिक सुकून तो मिलेगा ही, साथ में एक गर्व की अनुभूति होगी अपने उन वीर सैनिकों पर जिन्होंने इस देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इन सभी वीर सैनिकों को नमन। चलते हैं इस वार मेमोरियल की बैक साइड पर और दिखाते हैं आपको वहां से आसपास का खूबसूरत व्यू। ये गेंदे के फूल बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं, लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं। ये मैं आ गया हूँ शहीद स्मारक की बैक साइड पर, और इधर भी इन दीवारों पर सुनहरे अक्षरों से अमर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। और ये पीछे का खूबसूरत व्यू
पीछे की तरफ एक खाई है और ऊपर पहाड़ और शानदार चीड़ के पेड़ और आंखों को सुकून देने वाला ये शानदार व्यू। अब चलते हैं इस साइड और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। ये एक शिप का मॉडल है। वो सामने एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क दिख रहा है। यह है छोटे बच्चों के लिए बनाया गया विकास चिल्ड्रन पार्क, जहाँ पे छोटे बच्चे अपने मनपसंद झूलों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पे अभी तो टूरिस्ट नाम मात्र ही दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं वापस। काफ़ी पीसफुल और ख़ूबसूरत जगह है ये। और दूसरा, ये अपने उन शहीद सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने इस देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो जब कभी भी आप धर्मशाला आएं तो इस जगह पर आना मत भूलें। तो करते हैं इस पुल को पार जो इस छोटी सी नहर के ऊपर बना हुआ है। ये उधर पीछे से आ रही है लेकिन पानी अभी बहुत कम है इसमें, लेकिन काफ़ी खूबसूरत दिख रही है ये। Thank you.
तो अभी लेता हूँ आपसे विदा और अब मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।